हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन बीएससी के क्वांटम मैकेनिक्स को अपन हिंदी में डिस्कस करेंगे और अपन ने इसको इंग्लिश के अंदर थोड़ा स्टडी किया है, जिसमें अपन ने क्वांटम मैकेनिक्स की जो क्लासिकल थ्योरी है उसको अपन ने छोड़ दिया था। तो इसके हिंदी वर्जन के अंदर अपन क्वांटम मैकेनिक्स के फर्स्ट चैप्टर से इसको पढ़ेंगे। तो क्वांटम मैकेनिक्स का जो इंट्रोडक्शन है वो अपन पढ़ चुके हैं, आज अपन इसका सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो डिस्कस करेंगे। और क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है, क्वांटम अपन बोलते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स जो अपने को दिखाई नहीं देते। जैसे फिजिक्स को अपन ने दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर रखा है, एक तो क्लासिकल मैकेनिक्स है, एक क्वांटम मैकेनिक्स है। क्लासिकल मैकेनिक्स में अपन बड़े पार्टिकल, बड़े सिस्टम की स्टडी करते हैं, बट क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर अपन छोटे छोटे पार्टिकल जो अपने को दिखाई नहीं देते हैं उन पार्टिकल्स की अपन स्टडी करते हैं। और काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और अपने को पता है कि क्वांटम मैकेनिक्स का जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट है प्लैंक की क्वांटम थ्योरी से। लेकिन अपने को इस चीज़ का ध्यान होना चाहिए कि प्लैंक की जो क्वांटम थ्योरी है वो आई कहाँ से। उन्होंने क्या किया कि क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर एक टॉपिक आता है बहुत ही शानदार, जिसका नाम है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। उस ब्लैक बॉडी रेडिएशन का यूज़ करके उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट के बाद में जो भी फिजिक्स डेवलप हुई उस फिजिक्स को नाम दिया अपन ने क्वांटम मैकेनिक्स। तो अपना इसके अंदर यूनिट फर्स्ट है, क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर यूनिट फर्स्ट है और यूनिट फर्स्ट का नाम है डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स का विकास, डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। और इसके अंदर फर्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है कृष्णिका। और जिसको अपन बोलते हैं इंग्लिश में ब्लैक बॉडी। तो कृष्णिका जो ब्लैक बॉडी है वो क्या है? एक ऐसी बॉडी है जिस पर कोई भी प्रकाश की वेव जो है, प्रकाश की जो तरंग है वो उसके ऊपर आपतित होती है और आपतित होने के बाद भी यदि वो बॉडी उस प्रकाश तरंगों को अवशोषित कर लेती है तो उसको अपन बोलते हैं कि ब्लैक बॉडी है ये। जैसे अपन इस प्रकार से कोई बात करें, ये अपने पास कोई बॉडी है और इस बॉडी के ऊपर कोई लाइट वेव जो है, प्रकाश तरंग है वो आपतित हुई। अगर ये बॉडी उसको क्या कर ले, प्रकाश तरंग को अवशोषित कर लेती है तो ऐसी बॉडी को अपन क्या कहेंगे, ब्लैक बॉडी कहेंगे। तो अपने को इस चीज़ को ध्यान रखना है कि ब्लैक बॉडी क्या है। एक ऐसी वस्तु है जो अपने ऊपर गिरने वाली प्रकाश किरणों को क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। तो ऐसी बॉडी को अपन कृष्णिका कहते हैं। तो रटना नहीं अपने को, इसमें लिखना है एक ऐसी वस्तु जो अपने पृष्ठ पर आपतित प्रकाश किरणों को, प्रकाश किरणों को अवशोषित कर लेती है, अवशोषित कर लेती है, क्या कहलाती है, कृष्णिका कहलाती है। यानी कोई भी बॉडी अपने सरफेस के ऊपर जो भी लाइट वेव आती है यदि उसको कम्प्लीटली अब्जॉर्ब करती है तो उसको अपन बोलते हैं कि ऐसी बॉडी ब्लैक बॉडी है।
यानी सीधा सीधा ध्यान रखना, एक ऐसी वस्तु है जो अपने पृष्ठ के ऊपर गिरने वाली प्रकाश किरणों को अवशोषित कर लेती है, तो उस बॉडी को अपन कहते हैं कृष्णिका। अब ये जो कृष्णिका है ब्लैक बॉडी, ये बनती कैसे है? एक आता है आइडियल ब्लैक बॉडी, आदर्श कृष्णिका, उसके बाद में आता है आदर्श कृष्णिका, यानी आइडियल ब्लैक बॉडी। ऐसे तो देखो आइडियल ब्लैक बॉडी बनाना इम्पॉसिबल है, लेकिन व्यवहार में अपन इसको यूज लेते हैं। आदर्श कृष्णिका क्या होगी कि जैसे कोई भी अपने पास एक बॉडी है और उस बॉडी के ऊपर आने वाली प्रकाश जो किरणें हैं, जितनी भी प्रकाश किरणें हैं, उनको क्या कर दी, ये पूर्णतया यदि अवशोषित कर लेती है, तो उस बॉडी को अपन कहेंगे आइडियल ब्लैक बॉडी है वो। या फिर अपन ये बोलें कि ऐसी वस्तु जो अपने पृष्ठ पर आने वाली सभी प्रकाश किरणों को पूर्णतया अवशोषित करती है, तो उसको आदर्श कृष्णिका कहेंगे। और आदर्श कृष्णिका के लिए अवशोषण जो गुणांक होता है वो 1 होगा। तो ऐसी बॉडी जिसका अब्जॉर्प्शन कोफिशियंट यानी अवशोषण गुणांक 1 होगा, वो अपने आप में क्या होगी, आइडियल ब्लैक बॉडी होगी। लेकिन आइडियल ब्लैक बॉडी बनाना संभव नहीं, क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो अपने पृष्ठ पर गिरने वाली सभी प्रकाश किरणों को पूर्णतया अवशोषित कर ले, यानी 100% है उसको अब्जॉर्ब नहीं कर सकती, उसके कुछ पार्ट को है वो अब्जॉर्ब कर सकती है। तो आदर्श कृष्णिका में आपको डेफिनेशन ऐसी लिखनी है, क्या लिखोगे इसमें, कि एक ऐसी वस्तु जो अपने पृष्ठ पर आपतित सभी प्रकाश किरणों को, और यहाँ लिखना है पूर्णतया अवशोषित कर लेती है, तो वो अपने आप में आदर्श कृष्णिका कहलाती है। ऐसी वस्तु जो अपने पृष्ठ पर आपतित सभी प्रकाश किरणों को पूर्णतया अवशोषित कर लेती है, आदर्श कृष्णिका कहलाती है। अब अपन बात कर लेते हैं कि गुणांक जो कोफिशियंट होते हैं वो 3 होते हैं। एक तो होता है परावर्तन गुणांक R, एक होता है पारगमन गुणांक T, एक होता है अवशोषण गुणांक E। और इन तीनों का जो योग होता है वो 1 होता है। ये तो क्या है, रिफ्लेक्शन कोफिशियंट यानी परावर्तन गुणांक, और ये होता है पारगमन गुणांक ट्रांसमिटेड कोफिशियंट, और एक होता है अवशोषण गुणांक। और अपने फिजिक्स में छोटे क्लासेस में अपने पढ़ते हैं कि इन तीनों गुणांकों को यदि ऐड कर दिया जाए, मोस्टली अपन 2 ही गुणांक यूज में लेते हैं, आर और टी, तो इन बाकी बॉडीज के लिए, लेकिन ब्लैक बॉडी में अवशोषण होता है इसलिए अवशोषण गुणांक को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो अपने को ध्यान ये रखना है कि जो 3 कोफिशियंट अपने पास, और इनको अपन ऐसे लिखते हैं आर प्लस टी प्लस ए, तीनों को अपन ऐड कर दें, ये तीनों जो गुणांक कोफिशियंट इनको ऐड करें तो 1 होती है इसकी वैल्यू। और मैंने अपने क्या बताया आप लोगों को कि आइडियल ब्लैक बॉडी एक ऐसी बॉडी है जिसका अवशोषण गुणांक 1 हो, तो बाकी जो गुणांक होंगे वो क्या होंगे, 0 होने चाहिए। यानी आदर्श कृष्णिका में परावर्तन गुणांक 0 होना चाहिए, और पारगमन गुणांक भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अवशोषण गुणांक, इन दोनों की वैल्यू यदि 0 है तो अवशोषण गुणांक A इक्वल्स टू 1। तो एक ऐसी बॉडी जो ब्लैक बॉडी कहलाएगी जिसका अब्जॉर्प्शन कोफिशियंट A इक्वल्स टू क्या हो, 1 हो। तो अपने को ध्यान ये रखना है कि ऐसी वस्तु है जो जिसका अवशोषण गुणांक 1 होता है। तो पहले तो अपने को क्या लिखना है, इसमें डेफिनेशन लिखना है, ऐसी वस्तु जो अपने पृष्ठ पर आपतित सभी प्रकाश किरणों को पूर्णतया अवशोषित कर लेती है, कंप्लीटली अब्जॉर्प्शन, तो वो कहलाती है आदर्श कृष्णिका। फिर अपने को लिखना है कि आदर्श कृष्णिका के लिए अवशोषण गुणांक कितना होता है, 1 होता है, और ए ब्लैक आइडियल ब्लैक बॉडी अब्जॉर्प्शन कोफिशियंट इज 1। अब अपन बात कर लेते हैं कि कृष्णिका जो ब्लैक बॉडी है वो बनती कैसे है। तो ब्लैक बॉडी जो बनती है, ये सबसे पहले अपने कोई वस्तु लेते हैं, इस प्रकार की अपने पास कोई वस्तु है, ये कोई क्वार्टर है, कैविटी है, और इसके अंदर अपन ने एक छोटा सा छिद्र छोड़ रखा है। तो इस बॉडी के अंदर अपन ने क्या कर दिया,
कि इसके अंदर अपन ने इसको कोटिंग कर दिया, यानी इसके अंदर एक पॉलिश कर दी, और वो पॉलिश होनी चाहिए ब्लैक कलर की। और अपने से कोई पूछे कि ब्लैक बॉडी के अंदर जो अपन पॉलिश करते हैं, कोटिंग जो करते हैं, ये कोटिंग होती है प्लेटिनम काजल की। प्लेटिनम जो काजल होता है, क्योंकि उसका अवशोषण गुणांक है वो बाकी के कंपेयर में क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो अपन ने एक बॉडी ली और उस बॉडी के अंदर अपन ने क्या की, कोटिंग की, यानी पॉलिश की प्लेटिनम काजल की, और इसके अंदर अपन ने एक छोटा सा छिद्र छोड़ दिया। इस छोटे से छिद्र को ही, इस पूरी बॉडी को अपन ब्लैक बॉडी नहीं बोलेंगे, इस छोटे से छिद्र को ही अपन ब्लैक बॉडी कहेंगे। अब इसके अंदर होता क्या है कि जैसे ही कोई प्रकाश किरण आई इस प्रकार से, कोई भी प्रकाश किरण यदि इस ब्लैक बॉडी के अंदर प्रवेश करेगी, अब ब्लैक कलर क्यों करते हैं अपन, ब्लैक कलर का अवशोषण गुणांक ज़्यादा होता है, यानी बाकी के जो कलर होते हैं वो प्रकाश किरणों को कम अवशोषित करते हैं। ब्लैक कलर एकमात्र ऐसा कलर है जो अधिकतर प्रकाश किरणों क्या करता है, अवशोषित करता है, यानी उसके जो थर्मल जो पावर होती है ब्लैक कलर की वो ज़्यादा होती है, यानी ब्लैक कलर है वो अपने आप में गर्म ज़्यादा होता है। तो यहाँ से कोई प्रकाश किरण इसके अंदर एंटर करेगी और ये इस ब्लैक बॉडी के इस पॉलिश वाले भाग से टकराएगी, तो इसका कुछ भाग तो ये क्या कर लेगी, अवशोषित कर लेगी। यानी एकदम से ये नहीं कह सकती प्रकाश किरण आई उसको पूर्णतः अवशोषित कर लिया, ऐसा पॉसिबल नहीं है, धीरे धीरे करेगी। तो अपन ने मान लिया कि ये कोई प्रकाश किरण है, जैसे इंटर करेगी तो इस वाले पार्ट के ऊपर टकराएगी, तो इसका कुछ भाग तो क्या हो जाएगा, अवशोषित कर लेगी, अब्जॉर्ब कर लेगी, यानी ग्रहण कर लेगी, और शेष जो भाग है उसको क्या कर देगी, परावर्तित, क्योंकि टकरा के ये वापस आ जाएगा। जैसे यहाँ से 100%, जैसे 100 प्रकाश की किरणें जा रही है, 100 में प्रकाश किरण यहाँ टकराई तो उसमें से ये मान लो कि 70, या फिर अपन ये मान लें कि 20 प्रकाश किरणें हैं वो यहाँ पर अवशोषित हो गई, बाकी की 80 हैं वो रिफ्लेक्ट हो गई। 80 प्रकाश किरणें रिफ्लेक्ट होकर इस पॉइंट के ऊपर गिरेंगी तो यहाँ पर कुछ न कुछ अवशोषण होगा। 80 में से मान लो कि 20 प्रकाश किरणें और अवशोषित हो गई, तो 20 प्रकाश किरणें और अवशोषित हो गई तो बाकी की 60 जो बची वो रिफ्लेक्ट होंगी, और वो रिफ्लेक्ट होकर इस बॉडी के अंदर किसी और पॉइंट के ऊपर आपतित होंगी, तो यहाँ कुछ क्या हो जाएंगी, अवशोषित हो जाएंगी, और बाकी की क्या हो जाएंगी, परावर्तित। तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया है, ये चलती रहेगी, और ये प्रक्रिया कब तक चलती रहेगी, जब तक सारी प्रकाश की किरणें अवशोषित नहीं हो जाती हैं। और उसके बाद में क्या होता है कि यदि इस ब्लैक बॉडी को एक नियत ताप के ऊपर रख रखा है, इसको क्या रख रखा है, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर के ऊपर रख रखा है अपने। कॉन्स्टेंट टेम्परेचर का मीनिंग कि इस बॉडी को अपने एक निश्चित ताप के ऊपर रख दिया, तो होगा क्या कि थोड़ी देर बाद में जैसे ये प्रकाश किरणों को ऑब्जर्व करेगी तो थोड़ी देर बाद में इससे रेडिएशन निकलेंगी, क्योंकि अपने को पता है कि कोई भी वस्तु जब गर्म हो जाती है तो उसके सरफेस से रेडिएशन जो है वो एमिट होने लग जाते हैं, यानी विकिरणें उत्सर्जित होने लग जाती हैं, और वो इस पॉइंट से हैं वो बाहर निकल जाएंगे इस प्रकार से। तो ये जो है वो प्रकाश किरण है, यानी ये जो क्या है, लाइट वेव्स, लेकिन ये क्या है, रेडिएशन। अब देखो, एक तो होती है प्रकाश की किरण, और एक अपन बोलते हैं विकिरण। प्रकाश की किरण और विकिरण में क्या डिफरेंस है कि विकिरण में वेव के साथ साथ हीट भी होती है, तो उसको अपन बोलेंगे विकिरण। वेव के साथ क्या होगी, हीट होगी। जैसे ये ब्लैक बॉडी है, इस ब्लैक बॉडी के अंदर प्रकाश किरण जब बाहर निकलेगी तो उसमें कुछ न कुछ हीट होगी, यानी थर्मल पावर होगी उसमें, तो उसको अपन बोलेंगे विकिरण। तो ध्यान रखना है, कृष्णिका से उत्सर्जित विकिरणों को कृष्णिका विकिरण कहते हैं, यानी कोई भी ब्लैक बॉडी है उससे एमिट रेडिएशंस को क्या कहेंगे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो अपने को इसकी ब्लैक बॉडी की थ्योरी में क्या लिखना है कि कृष्णिका का निर्माण करने के लिए एक वस्तु लेते हैं जिसमें एक छोटा सा छिद्र करते हैं, तथा वस्तु की आंतरिक जो दीवारें हैं, जो इंटरनल जो सरफेसेज है,
आंतरिक दीवारों को अपन क्या करते हैं, पॉलिश करते हैं। जब कोई प्रकाश किरण इस छिद्र से इस कृष्णिका के अंदर प्रवेश करती है तो इस प्रकाश के किरण का कुछ भाग तो अवशोषित कर लिया जाता है तथा शेष भाग परावर्तित कर लिया जाता है। इस प्रकार से इसमें देखो बहु परावर्तन होगा, मल्टी रिफ्लेक्शन। तो इसके अंदर बहु परावर्तन होगा, दीवारों से टकरा के प्रकाश किरण इधर उधर जाएगी और जब तक होता रहेगा जब तक पूर्णतया प्रकाश किरण क्या नहीं हो जाएगी, अवशोषित नहीं हो जाएगी। और कुछ समय पश्चात इस बॉडी से प्रकाश किरणें उत्सर्जित होंगी जिनमें उष्मीय गुण होगा, यानी वो प्रकाश किरणें हैं वो कुछ हीट लेके बाहर निकलेंगी। जैसे किसी वस्तु को अपने गर्म करके अपने छोड़ दिया तो उससे भाप वगैरह से कुछ निकलती है, यानी उससे गर्म विकिरणें हैं वो उत्सर्जित होती हैं। तो कृष्णिका से उत्सर्जित किरणों को कृष्णिका विकिरण कहते हैं। इतना कुछ अपने को लिखना है। तो सबसे पहले कृष्णिका की डेफिनेशन लिखनी है, फिर थोड़ा सा आदर्श कृष्णिका के बारे में बताना है, फिर कृष्णिका बनाते समय आपको क्या ध्यान रखना है, कृष्णिका का निर्माण करने के लिए एक वस्तु में छोटा सा छिद्र करते हैं और वस्तु के आंतरिक दीवारों पर पॉलिश करते हैं। जब कोई प्रकाश किरण इस कृष्णिका के अंदर प्रवेश करती है तो इसका कुछ भाग अवशोषित कर लिया जाता है तथा शेष भाग है परावर्तित हो जाता है। इस प्रकार कृष्णिका के अंदर बहु परावर्तन होता है। कुछ समय पश्चात यदि कृष्णिका नियत ताप पर है तो इससे विकिरणें उत्सर्जित होती हैं, उन विकिरणों को ही अपन क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन बोलते हैं, या कृष्णिका विकिरण है वो अपन इनको बोलते हैं। उसके बाद में अपन डिस्कस करें कि ये तो कृष्णिका का नॉर्मल पॉइंट है। फिर क्या किया कि अलग अलग साइंटिस्टों ने इसके बारे में अलग अलग मत दिया कि यदि इस कृष्णिका को एक फिक्स टेम्परेचर के ऊपर रख दिया जाए तो क्लासिकल मैकेनिक्स तो ये कहती है कि एक फिक्स वेवलेंथ की प्रकाश किरणों को ये अवशोषित कर सकती है। जैसे यहाँ से कोई प्रकाश किरण आई, इसकी लेमडा यदि फिक्स है तो उस फिक्स वाली लेमडा वाली प्रकाश किरण को ये क्या करेगी, अवशोषित करेगी। लेकिन अपने क्वांटम मैकेनिक्स ये कहती है कि कितनी भी तरंग दैर्ध्य की प्रकाश किरण आई, यानी जीरो टू इन्फिनिटी, जीरो से अनंत के बीच में कोई भी तरंग दैर्ध्य हो, ये सभी प्रकाश किरणों को क्या करेगी, अवशोषित करेगी और निश्चित ताप के ऊपर जीरो से अनंत वाली तरंग दैर्ध्य वाली प्रकाश किरणों को उत्सर्जित भी करेगी। तो एक कृष्णिका शून्य से अनंत तरंग दैर्ध्य वाली प्रकाश किरणों को अवशोषित भी करती है। यदि कृष्णिका निश्चित ताप पर है तो शून्य से अनंत तरंग दैर्ध्य वाली प्रकाश किरणों को उत्सर्जित भी करती है। उसके बाद में ये जो कृष्णिका है, ब्लैक बॉडी है, उससे जो विकिरणें बाहर निकलेंगी वो विकिरणें, इन विकिरणों के अंदर एनर्जी होगी और उस एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट किया है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ तक अपने कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एग्जाम में अपने से क्वेश्चन पूछता है और काफ़ी इम्पोर्टेंट ग्राफ है। और इसका नाम है स्पेक्ट्रमी ऊर्जा वितरण, स्पेक्ट्रम एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, स्पेक्ट्रम एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। स्पेक्ट्रम में ऊर्जा वितरण क्या होता है, देखो लोगों ने क्या किया कि ब्लैक बॉडी को एक फिक्स टेम्परेचर पर रख दिया और उसके कोरेस्पोंडिंग जो एनर्जी है, एनर्जी और वेवलेंथ के बीच में रिलेशन पता करने के लिए, यानी कृष्णिका से उत्सर्जित ऊर्जा तथा प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के बीच में रिलेशन प्राप्त किया और इन दोनों के बीच में ग्राफ प्लॉट किया और वो उस ग्राफ को ही अपन बोलते हैं स्पेक्ट्रम में ऊर्जा वितरण वक्र, स्पेक्ट्रम एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ। तो ई और लेमडा के बीच में
यानी कृष्णिका से जो विकिरणें बाहर निकल रही हैं उनकी ऊर्जा और उनकी जो वेवलेंथ है उनके बीच में ग्राफ प्लॉट किया और उस ग्राफ से अपने को काफ़ी सारी जानकारियां हैं वो प्राप्त हुई। और हुआ क्या कि यदि ब्लैक बॉडी को डिफरेंट यानी अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर रख दिया जाए तो ग्राफ की जो शेप है वो एक ही प्राप्त हुई, लेकिन विकिरणों की संख्या में वृद्धि होती गई। जैसे 500 केल्विन के ऊपर रख दिया तो 1000 विकिरणें निकली, 1000 केल्विन पर रख दिया तो 2000 विकिरणें निकली, 4000 केल्विन के ऊपर रख दिया कृष्णिका को तो उससे 10000 विकिरणें निकली। इस प्रकार से तो अपन ये बोल सकते हैं कि यदि कृष्णिका को भिन्न भिन्न तापों पर रखा जाए तो उससे जो प्रकाश विकिरणें उत्सर्जित होती हैं उनकी उत्सर्जन क्षमता क्या होगी, डिफरेंट होगी। और वो ग्राफ किस प्रकार का होगा, ये ग्राफ है इस प्रकार का, कुछ काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये ग्राफ है प्रकाश की तरंग दैर्ध्य लेमडा और उत्सर्जन क्षमता ई के। उत्सर्जन क्षमता बोल दो या एनर्जी। जैसे ये कोई ब्लैक बॉडी है और इस ब्लैक बॉडी से जो विकिरणें बाहर निकलेंगी उन विकिरणों की एनर्जी कितनी होगी और लेमडा यानी वेवलेंथ है वो कितनी होगी, इनके बीच में जो ग्राफ है वो अपन बढ़ाएं। तो सबसे पहले मान, और मैंने क्या बोला कि इस ब्लैक बॉडी को डिफरेंट टेम्परेचर पर रखना पड़ेगा सबसे पहले, लेकिन टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहना चाहिए एक ग्राफ के अंदर। ये नहीं है कि एक ही ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं और उसका टेम्परेचर अपने हटा के उसको दूसरे टेम्परेचर पर रख दिया, ऐसा कुछ नहीं है। यानी टेम्परेचर है वो ब्लैक बॉडी का क्या रहना चाहिए, कॉन्स्टेंट रहना चाहिए। कब सर, जब एनर्जी और लेमडा के बीच में ग्राफ प्लॉट करें तब। तो ग्राफ है वो किस प्रकार का होगा, देखो यदि अपन मान लें कि इसको 500 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर रख दिया, यानी T1 सबसे पहला टेम्परेचर अपने रख दिया 500 केल्विन के ऊपर, और 500 केल्विन के ऊपर इसको रखें तो ग्राफ है वो किस प्रकार का प्लॉट होगा, इस प्रकार का प्लॉट। यहां पर उत्सर्जन क्षमता है वो अधिकतम होगी। ये कितने के लिए है, 500 केल्विन। अब मान ले कि T2 यानी ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा अपन ने बढ़ा दिया तो ग्राफ की सेफ ऐसी आएगी, कुछ ग्राफ इस प्रकार का बनेगा। यहां पर उत्सर्जन क्षमता अधिकतम होगी। यदि अपन इसका टेम्परेचर हटा के इसको 2000 केल्विन के ऊपर रखें तो ग्राफ की शेप कुछ इस प्रकार की होगी। और यदि इसको अपन अगले टेम्परेचर जैसे 5000 केल्विन के ऊपर रख दिया तो ग्राफ की शेप कुछ ऐसी, यहाँ का टेम्परेचर ये अधिकतम होगा, यहाँ का टेम्परेचर। अब देखो ये जो ग्राफ है, ये जो एक्सेस है ये तो लेमडा के कोरस्पोंडिंग है और इस साइड में क्या है, एनर्जी यानी ऊर्जा और तरंग दैर्ध्य के बीच में ग्राफ है, लेकिन डिफरेंट टेम्परेचर पर। जब कृष्णिका को अपन ने 500 केल्विन के ऊपर रखा तो ये ग्राफ मिला अपने को, उसके बाद में 1000 केल्विन के ऊपर रखा तो ये ग्राफ मिला, 2000 केल्विन के ऊपर ये ग्राफ मिला अपने को, और 5000 केल्विन के ऊपर। तो अपन ने करना क्या है कि कृष्णिका को 500 केल्विन पर रखना है तब ग्राफ प्लॉट करना है। और अपन देख रहे हैं कि भिन्न भिन्न ताप के ऊपर इस ग्राफ की जो आकृति जो शेप है वो सेम होगी। अपन मान लो कि 500 केल्विन पर रखा तो यहाँ जो लेमडा है वो अपन मान लें कि लेमडा 1 है, या फिर अपन उसको लेमडा M1 कह दें, इसको कह दें लेमडा M2, अगले को कह दें लेमडा M3, अगले को कह दें लेमडा M4। यानी लेमडा यानी M का मतलब मैक्सिमम पॉइंट, और ये इस साइड के जो पॉइंट हैं यहाँ पर क्या है, एनर्जी मैक्सिमम। तो ये जब ग्राफ बनाया गया, ये ग्राफ अपने को बनाना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
ये ग्राफ जो है वो क्वांटम मैकेनिक्स की एक प्रकार से न्यू रखता है कि क्वांटम मैकेनिक्स का डेवलप जो है वो यहीं से स्टार्ट होना हो गया था, और इसके बारे में डिस्कस किया था प्लैंक सर ने, और फिर ब्लैक बॉडी की उन्होंने एक नई डेफिनेशन दी और ब्लैक बॉडी के कंप्लीट जो सिस्टम है उसको डिस्क्राइब किया है। तो ये जो ग्राफ है इसकी विशेषताएं क्या है, इस ग्राफ की जो विशेषताएं हैं वो अपने को लिखनी है और वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और वो एग्जाम में अपने से पूछता है, यानी स्पेक्ट्रम में ऊर्जा वितरण वक्र की विशेषताएं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट देखो, यानी ये ग्राफ है ये असतत है या सतत है, इसके बारे में पूछे तो अपने को ये ग्राफ बताना है। कोई भी एक ग्राफ चूज करो, ये ग्राफ है ये कंटिन्यूस है, यानी स्पेक्ट्रम में ऊर्जा वितरण वक्र है वो क्या होता है, सतत होता है। यानी अपने क्या लिखते हैं कि स्पेक्ट्रम में ऊर्जा वितरण वक्र सतत होता है, स्पेक्ट्रम में ऊर्जा वितरण वक्र क्या होता है, सतत होता है, यानी स्पेक्ट्रम एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। तो अपने को ध्यान रखना है कि पहली विशेषता है कि स्पेक्ट्रम में ऊर्जा वितरण वक्र है सतत है, कोई भी आप ग्राफ एक देखो वो कंटिन्यूस है। और एक चीज़ आप ध्यान रखना कि प्रत्येक ग्राफ के अंदर लेमडा की वैल्यू जीरो से लेके इनफाइनाइट के बीच में आप कोई भी ढूंढ लेना, सभी प्रकाश की तरंग दैर्ध्य वाली, यानी सभी तरंग दैर्ध्य वाली प्रकाश किरणें आपको मिलेंगी। यानी इसमें अपन ये भी लिखते हैं तथा सभी तरंग दैर्ध्य वाली प्रकाश किरणें प्राप्त होती है। तो सबसे पहला पॉइंट, पहली विशेषता क्या है इस ग्राफ की, तो एक तो ये ग्राफ क्या है, कंटिन्यूस है, और जीरो से लेके इनफाइनाइट जो भी तरंग दैर्ध्य की प्रकाश किरणें अपने को चाहिएगी वो सारी प्रकाश किरणें अपने को इसके अंदर मिल जाएंगी। अब अपन बात करें कि देखो जैसे जैसे अपन टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, सेकंड विशेषता की अपन इसको बात करें, तो जैसे पहले 500 केल्विन था, फिर 1000 केल्विन हुआ, फिर 2000 केल्विन, फिर 5000 केल्विन, तो जैसे जैसे टेम्परेचर को अपन ने इंक्रीज किया तो ग्राफ की शेप सेम है लेकिन इसकी उत्सर्जन क्षमता वो बढ़ती गई। तो अपन ये बोल सकते हैं कि ताप में वृद्धि करने पर विकिरण ऊर्जा में वृद्धि होती है। जैसे मान लो 500 केल्विन के ऊपर 1000 प्रकाश किरणें निकली हैं तो 1000 केल्विन के ऊपर ज़्यादा निकलेंगी इससे, 2000 के ऊपर इससे भी ज़्यादा, 5000 के ऊपर इससे भी ज़्यादा। तो ये जो पीक वैल्यू आप देख रहे हो तो अपन इससे डिस्कस कर सकते हैं, इसमें बोल सकते हैं कि ताप वृद्धि से, ताप वृद्धि से विकिरणों की उत्सर्जन क्षमता में वृद्धि होती है। यानी टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे अपन तो विकिरणों की उत्सर्जन जो क्षमता है वो भी क्या होगी, बढ़ेगी। एक अपन इसके बारे में ये लिख सकते हैं ग्राफ के बारे में कि कोई भी एक ग्राफ को अपन इसमें चूज करें, दो विशेषता ये हो गई, एक तो स्पेक्ट्रम में ऊर्जा वितरण वक्र सतत होता है और जीरो से लेकर अनंत वाली कोई भी प्रकाश किरण आपको चाहिए तो वो मिल जाएगी, इसके अंदर भी मिल जाएगी, इसमें भी मिल जाएगी, इसमें भी, इसमें भी, और ऐसे ही टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो उत्सर्जन क्षमता है वो बढ़ती जाएगी। तो थर्ड इसकी विशेषता की अपन बात करें, कोई भी एक ग्राफ चूज करके देखें, जैसे इस ग्राफ की बात कर ले या इस ग्राफ की बात कर ले, अपन देख रहे हैं कि उत्सर्जन क्षमता के मान में पहले तो धीरे धीरे वृद्धि होती है, फिर एक विशिष्ट तरंग दैर्ध्य के ऊपर एक फिक्स लेमडा के, जैसे लेमडा की वैल्यू अपन बढ़ा रहे हैं तो साथ साथ में उत्सर्जन क्षमता भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। लेमडा के एक निश्चित मान के ऊपर उत्सर्जन क्षमता अधिकतम होती है, उसके बाद में लेमडा की वैल्यू अपन बढ़ाएंगे
तो उत्सर्जन क्षमता का मान घटेगा। तो अपन ये बोल सकते हैं कि एक निश्चित तरंग दैर्ध्य के ऊपर ही उत्सर्जन क्षमता का मान क्या होगा, अधिकतम होगा, और उसके बाद में तरंग दैर्ध्य के मान में वृद्धि करने पर उत्सर्जन क्षमता के मान में भी क्या होगी, कमी होगी। तो अपन ये लिखें थर्ड इसका, किसी एक ताप पर, जैसे कोई भी एक टेम्परेचर चूज करो, 500 केल्विन, 1000 केल्विन, 2000 केल्विन, जो भी कोई भी एक टेम्परेचर के ऊपर लेमडा के मान में वृद्धि करने पर किसी एक ताप पर लेमडा का मान बढ़ने पर उत्सर्जन जो क्षमता है, यानी ब्लैक बॉडी से जो प्रकाश किरणें निकलेंगी उनकी कैपेसिटी, उत्सर्जन क्षमता भी बढ़ती है। और ये अपन ग्राफ में देख रहे हैं कि लेमडा के मान में वृद्धि करें तो उत्सर्जन क्षमता के मान में भी वृद्धि होती है, यानी उत्सर्जन क्षमता भी बढ़ती है, तथा लेमडा के एक विशिष्ट मान पर, एक स्पेसिफिक जो वैल्यू है, एक विशिष्ट मान पर उत्सर्जन क्षमता, यानी ई की जो वैल्यू है वो क्या होगी, उत्सर्जन क्षमता अधिकतम होती है। यानी लेमडा के एक फिक्स, जैसे अपन लेमडा के मान में वृद्धि करें एक फिक्स पॉइंट के बाद में उत्सर्जन क्षमता भी क्या हो जाती है, अधिकतम। उसके बाद में लेमडा के मान अपन बढ़ाएंगे तो उत्सर्जन क्षमता भी क्या होगी, घटेगी। लेमडा के मान में वृद्धि करेंगे तो पहले तो वृद्धि होगी, फिर अधिकतम प्राप्त करेगा, उसके बाद में कम होना स्टार्ट हो जाएगा। उत्सर्जन क्षमता का मान, यानी उत्सर्जन क्षमता अधिकतम होती है। इसके पश्चात लेमडा के मान में वृद्धि करने पर, किसके बाद में, विशिष्ट मान के बाद में, विशिष्ट मान के ऊपर तो अधिकतम हो गया, और इसके पश्चात लेमडा के मान में वृद्धि करने पर उत्सर्जन क्षमता का मान क्या होगा, घटता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट विशेषता है इसकी, ध्यान रखना है। पहले तो क्या होगा, उत्सर्जन क्षमता का मान बढ़ेगा, फिर अधिकतम मान प्राप्त करेगा, उसके बाद में घटना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद में अपन नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, ये देखो लेमडा का मान, जहाँ पर उत्सर्जन क्षमता अधिकतम हुई है उसके संगत जो तरंग दैर्ध्य है उसको बोलेंगे अपन अधिकतम तरंग दैर्ध्य। तो तरंग दैर्ध्य जो होती है, जो विशिष्ट तरंग दैर्ध्य है, विशिष्ट इसलिए कि इस पॉइंट के ऊपर अपन देखेंगे तो वहाँ पर उत्सर्जन क्षमता अधिकतम है, उसके बाद में बढ़ाओगे तो घटना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसकी फोर्थ जो विशेषता है वो अपन क्या लिखेंगे, यानी विशिष्ट जो तरंग दैर्ध्य है जिसको अपन ने लेमडा एट एम से नोट किया है, यानी विशिष्ट तरंग दैर्ध्य जो है वो ताप के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अधिकतम लिख सकते हैं इसको या फिर विशिष्ट लिख सकते हैं। विशिष्ट तरंग दैर्ध्य, स्पेसिफिक जो वेवलेंथ है, विशिष्ट तरंग दैर्ध्य ताप की व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात ये एक्सपेरिमेंट से है पॉइंट, विशिष्ट तरंग दैर्ध्य ताप के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती, यानी अर्थात लेमडा एम की जो वैल्यू है वो ताप के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये। और यहाँ से समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो ये आएगा लेमडा बी बराबर एक नियतांक बी अपॉन टी।
और ये नियम अपन ने छोटी क्लासेज में पढ़ा है, इस नियम को वीन का विस्थापन नियम कहते हैं और ये छोटे मार्क्स के अंदर एग्जाम में अलग से भी पूछा जाता है। ये क्या कहलाता है? वीन का विस्थापन नियम। यह वीन का विस्थापन नियम कहलाता है। और वेहर बी क्या है? वीन कांस्टेंट, वीन नियतांक कहलाता है। और जिसकी वैल्यू है बेचारे कितनी होती है? 2.898 × 10⁻³ मीटर केल्विन, ये बी की वैल्यू होती है। इसको बोलते हैं वीन का विस्थापन नियम। तो ये जो फोर्थ विशेषता है ये एग्जाम में अलग से पूछता है कि वीन का विस्थापन नियम किसे कहते हैं। वीन डिस्प्लेसमेंट जो ला है उसमें क्या बताना आपको कि विशिष्ट तरंग दैर्ध्य, विशिष्ट तरंग दैर्ध्य वो तरंग दैर्ध्य जहाँ पर उत्सर्जन क्षमता का मान अधिकतम होता है उसको बोलते हैं विशिष्ट तरंग दैर्ध्य। और विशिष्ट तरंग दैर्ध्य होती है वो ताप की क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। और यहाँ समानुपाती का अपन ये साइन हटाएंगे तो एक बी आएगा कॉन्स्टेंट, और बी को बोलेंगे अपन वीन का विस्थापन नियम, विच हैव वैल्यू 2.898 × 10⁻³ मीटर केल्विन। उसके बाद में एक नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है, लास्ट जो इसकी विशेषता है। ऐसे तो काफ़ी सारी विशेषताएं हैं लेकिन अपने जो मेन पॉइंट्स हैं वो अपन नोट करेंगे। ये अपना वीन का विस्थापन नियम कंप्लीट है। क्वांटम मैकेनिक्स में ये जो ग्राफ है ये मानो क्वांटम मैकेनिक्स के डेवलपमेंट की रीढ़ की हड्डी है। तो यहाँ से अपन जो क्वांटम मैकेनिक्स है उसके डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो इसका जो फिफ्थ पॉइंट है ये क्या होता है? कोई भी एक ग्राफ चूज करो आप, तरंग दैर्ध्य की अक्ष है ये, किसकी अक्ष है ये? लेमडा की अक्ष, यानी तरंग दैर्ध्य की अक्ष और स्पेक्ट्रमी ऊर्जा वितरण वक्र कोई भी एक फिक्स टेम्परेचर पर, जैसे 5000 केल्विन पर बात कर रहा हूँ, यानी एक निश्चित ताप पर तरंग दैर्ध्य की एक्स तथा स्पेक्ट्रमी ऊर्जा वितरण वक्र के बीच का क्षेत्रफल, यानी यहाँ से लेके यहाँ और इसके बीच का, जैसे ये ग्राफ इस प्रकार से है, तो इस प्रकार का जो वक्र है, तो ये तो क्या हो गया? तरंग दैर्ध्य की एक्स, ये रेखा तो, और ये हो गई स्पेक्ट्रमी ऊर्जा वितरण वक्र, ये ग्राफ हो गया वक्र। इसके बीच का जो क्षेत्रफल है ये बीच का क्षेत्रफल बराबर होगा कुल उत्सर्जन क्षमता के, यानी ब्लैक बॉडी से कुल कितनी विकिरणें उत्सर्जित हो। तो आपसे कोई पूछे कि ब्लैक बॉडी को एक फिक्स कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर रख दिया और उस कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर रखने के बाद में उससे कितनी विकिरणें उत्सर्जित हुई, तो उसका आप ग्राफ प्लॉट करोगे और ग्राफ के और ये जो लेमडा वाली एक्स है इसके बीच का क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे भी करके, जितना इसका एरिया आएगा उतनी ही क्या होगी? विकिरणों की संख्या होगी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये लिखना आपको कि एक नियत ताप पर, अब ऐसा नहीं कि सभी का अपन एरिया निकालेंगे, ये तो अलग अलग टेम्परेचर पर ग्राफ बना के देखो, ग्राफ तो अपने को एक ही मिलेगा कौन सा भी चूज कर लेना, ये तो डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर के लिए अपने डिस्कस किया है। तो कोई भी एक नियत ताप पर तरंग दैर्ध्य की एक्स, तरंग दैर्ध्य की एक्स हो गई ये, तरंग दैर्ध्य की एक्स तथा स्पेक्ट्रमी वक्र, ये जो वक्र है स्पेक्ट्रमी वक्र, इनके जो बीच का क्षेत्रफल होगा स्पेक्ट्रमी वक्र के मध्य का क्षेत्रफल, के मध्य का क्षेत्रफल किसको व्यक्त करेगा? कुल उत्सर्जन क्षमता को, कि कितनी प्रकाश किरणें उत्सर्जित हुई हैं, कुल उत्सर्जन क्षमता को या कुल उत्सर्जन क्षमता की बराबर होता है। तो क्या बताया कि तरंग दैर्ध्य की अक्ष, लेकिन एक फिक्स्ड टेम्परेचर के ऊपर तरंग दैर्ध्य की अक्ष और ये जो वक्र है इसके बीच का जो एरिया होता है वो किसके बराबर होता है? कुल उत्सर्जन क्षमता, यानी ब्लैक बॉडी से कितनी प्रकाश विकिरणें हैं वो उत्सर्जित हुई हैं उनकी कुल संख्या को देते हुए, और ये कुल उत्सर्जन क्षमता
ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तथा कुल उत्सर्जन क्षमता, कुल उत्सर्जन क्षमता जो ई है, कुल उत्सर्जन क्षमता जो है वो ताप के चतुर्थ घात के समानुपाती होती है, ताप के चतुर्थ घात के समानुपाती होती है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अर्थात इसको अपन लिखें कि कुल उत्सर्जन क्षमता ई ताप के चतुर्थ घात के समानुपाती होती है। और कुल उत्सर्जन क्षमता निकलेगी कैसे, मैंने आपको बता दिया एरिया, और यहाँ भी अपन समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक कॉन्स्टेंट आएगा सिग्मा टी की पावर 4। और ये जो है ये नियम है, ये अपने छोटी क्लासेज में पढ़ा है, जैसे इससे पहले वाला जो पॉइंट था उसमें अपने बोला था वीन का विस्थापन नियम, इस वाले पॉइंट को अपन क्या बोलेंगे, स्टीफन बोल्ट्जमान नियम। यह है यानी ई बराबर सिग्मा टी की पावर 4, किसने बताया था, स्टीफन और बोल्ट्जमान दो साइंटिस्ट हैं, तो यह है स्टीफन बोल्ट्जमान नियम कहलाता है। तो इस ग्राफ में से दो तो डेफिनेशन क्वेश्चन अलग बनते हैं कि वीन का विस्थापन नियम क्या कहलाता है, उसने तो क्या बताया था कि लेमडा है वो ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है, और दूसरा अधिकतम उत्सर्जन क्षमता है वो ताप की चतुर्थ घात के समानुपाती होता है, इसे स्टीफन बोल्ट्जमान नियम कहते हैं। और यहाँ पर जो स्टीफन बोल्ट्जमान नियतांक या फिर यहाँ सिग्मा जो है ये कॉन्स्टेंट है, वेहर सिग्मा क्या कहलाता है, स्टीफन नियतांक। यहाँ पर जो सिग्मा है ये कहलाता है स्टीफन नियतांक, और इसकी वैल्यू होती है फिक्स भाई 5.68 × 10⁸ मीटर स्क्वेयर वाट स्क्वेयर ये 5.6 × 10⁻¹ होता है, और इसकी यूनिट होती है वाट पर मीटर स्क्वेयर केल्विन की पावर 4, जहाँ सिग्मा क्या है, एक स्टीफन नियतांक है जिसकी वैल्यू 5.68 या 5.67 भी आता है कई बार, × 10⁻¹ वाट पर मीटर स्क्वेयर केल्विन की पावर 4 होती है। तो ये अपना टॉपिक था स्पेक्ट्रम में ऊर्जा वितरण वक्र, जिसकी 5 या 6 विशेषताएँ अपन ने पढ़ी हैं, और जिसमें से दो विशेषताएं इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें एक को नाम दिया गया वीन का विस्थापन नियम और दूसरे को नाम दिया गया स्टीफन बोल्ट्जमान नियम। और स्पेक्ट्रमी ऊर्जा वितरण वक्र है वो क्वांटम मैकेनिक्स का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और फिर भी अपने को कोई प्रॉब्लम्स हैं तो अपन डिस्कस कर सकते हैं।